नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन हिंदू धर्म में धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए इस पूरे दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन और व्रत किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पूजा और उपवास करता है उससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती हैं, जिससे धन लाभ के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है उस व्यक्ति के। लेकिन शुक्रवार के दिन कई कार्यों को करने की मनाही होती है, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको धन की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है, इसलिए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। माँ लक्ष्मी अभद्र शब्दों के इस्तेमाल को कभी पसंद नहीं करती, खासकर शुक्रवार को, तो ऐसे कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुक्रवार को किसी से झगड़ा करता है या गलत शब्द कहता है, गाली गलौज का प्रयोग करता है, तो इस दिन माँ लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं और उसके घर में धन संबंधी समस्याएँ हो जाती हैं। शुक्रवार को धन की देवी माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है, इसलिए उस दिन भूल कर भी किसी को उधार में पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि शुक्रवार को किसी से पैसे लेने पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और उधार देने पर धन डूब जाता है, इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को शुक्रवार के दिन चीनी भी उधार नहीं देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा करने से आपके परिवार में अनेक परेशानियां और दरिद्रता भी आने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग मांसाहारी हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी की कुदृष्टि बनी रहती है। ऐसे लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी ये आदतें बदल दें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर वो ये आदतें नहीं बदलते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, और शुक्रवार को तो इन सब चीज़ों को त्याग ही देना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप त्यागते नहीं हैं तो घर में कलह होता है। वैसे तो शुक्रवार के दिन दान करना बहुत शुभ होता है, लेकिन इस दिन सोना और चांदी का दान करना बेहद अशुभ होता है। इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन इन चीज़ों का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं, जिससे भौतिक सुख में कमी का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार के दिन आपको कभी भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से पैसे उधार लेने और देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं, इसके अशुभ परिणाम झेलने होते हैं। शुक्रवार के दिन आपको हमेशा किचन और पूजा से जुड़ी चीज़ों की खरीदारी से भी बचना चाहिए। इससे घर में पैसों की बरकत नहीं होती, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन आपको कभी भी फटे और गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मान्यता अनुसार शुक्रवार के दिन ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कुंडली में राहु कमजोर होता है। वैसे तो हर एक दिन घर को साफ रखना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को भूलकर भी घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी वास नहीं करती। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए शुक्रवार को घर को साफ सुथरा रखें। अगर आप माताएं बहनें स्त्रियाँ हैं तो माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है स्त्रियों को, इसलिए सिर्फ शुक्रवार को ही नहीं बल्कि हर दिन आपको कभी ना कभी किसी न किसी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री को अपमान नहीं करना चाहिए, स्त्री साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसे स्थान में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जहाँ पर स्त्रियों का मान सम्मान होता है और जहाँ पर स्त्रियों का अनादर होता है, चाहे वो बहू बेटी कुछ भी रूप में हो, उसका अनादर होता है तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी उस स्थान को त्याग देती है और उस घर में धन का नाश होता है। कुछ ही समय में व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत खराब हो जाती है। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें और स्तन गायों को रोटी गुड़ अवश्य खिलाएं। घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए, पति की तरक्की के लिए कार्य बहुत अच्छे हैं। शुक्रवार के विशेष उपायों के बारे में आपने इस वीडियो में जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर अपने घर पर लगा सकते हैं, अपने मंदिर में भी इसे स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद देवी माँ को सबसे पहले आप पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दिए घी का दीपक जलाकर अर्पित करें। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित पूजा अर्चना करें, फिर सिक्के को
उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार के पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं, आपको कोई भी बीमारी ना हो ये चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। देवी माँ को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए। उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपने धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें, उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ रखें। आप उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी भी मंदिर के पुजारी को दान दे दें। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील में किसी विशेष डील के लिए जा रहे तो शुक्रवार के दिन बाहर जा रहे हैं, तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी माँ को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते, तो शुक्रवार के दिन आपको स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। या आपको माँ लक्ष्मी के कोई भी मंत्र नहीं आते तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्धम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको इन मंत्रों का या माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र ओम लक्ष्मी माताए नमः का भी 11 बार जाप करना चाहिए। अगर आपके बच्चों की तरक्की में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, तो आपको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही, तो शुक्रवार के दिन 11 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें मीठा खाना खिलाए, और 11 को ना बुला सके तो 9 कन्याएं या 7 कन्याओं को, या फिर 7 भी ना मिले तो 5 कन्याओं को अवश्य खिलाएं। अगर वो भी ना हो सके तो किसी एक कन्या को शुक्रवार के दिन खाना खिलाएं। देखिए ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितनी कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आप अपने जीवन में खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। फिर दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बाती लगाकर ज्योति जलाएं। साथ ही माँ को लाल चंदन उड़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन शांति की खूब तरक्की हो, उनकी सैलरी बढ़े, उनकी पदोन्नति हो, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान करने के बाद देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धीरे धीरे आपके पति की उन्नति होगी और धन का भी आगमन होगा। अगर आप जीवन में अपने आप को एक बेहतरीन पोजीशन पर एक अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं। साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर उसे देवी माँ को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में ये खीर खुद भी खा लें और छोटे बच्चों को और परिवार के सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा बांट दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी में हमेशा धन भरा रहे, कभी भी तिजोरी में धन की कमी ना हो, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान करने के बाद एक छोटी सी कटोरी में हल्दी लेनी है और उसमें पानी मिलाकर उसे घोल लेना है। अब इस हल्दी को अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। ऐसा आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं। हर शुक्रवार को ना भी करें तो महीने में एक बार अवश्य करें। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेनी चाहिए और आप उन्हें अपने घर के ईशान को में, यानी कि जो उत्तर पूर्वी की दिशा होती है, उस कोने में एक लकड़ी की चौकी पर किसी बर्तन में स्थापित कर देना चाहिए। फिर उन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। उन मूर्तियों को बर्तन से निकाल कर कपड़े से पोंछ कर अपने मंदिर में स्थापित करें। बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर आप शुक्रवार के दिन व्रत ले रहे हैं, तो पूरे दिन माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, किसी के साथ अभद्र व्यवहार न करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखें। तो ये थे छोटे छोटे उपाय जिन्हें करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां खत्म होती हैं, धन का आगमन होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट पर अपनी राय दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे हर एक लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी।